आज हम यूनिट टू का प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की पार्ट टू एट यूनिट देखेंगे। पहले देखते हैं द स्क्वायर ऑफ सेम नेचुरल नंबर m इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। जैसे कोई एक वन का स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, मान लीजिए फाइव स्क्वायर, ठीक है, तो इनका आंसर क्या होता है, वन, फोर, नाइन, ट्वेंटी फाइव। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑड नंबर। इसको वन प्लस थ्री लिख सकते हैं, इसको वन प्लस थ्री प्लस फाइव लिख सकते हैं, इसको वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस नाइन, और फोर स्क्वायर होगा तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, इसका मतलब कितना हो जाएगा, सिक्सटीन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब हम कॉन्सिक्यूटिव कोई नंबर्स लेते हैं वन स्क्वायर टू के वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर, देन द फर्स्ट ऑड नंबर इज स्क्वायर एंड इसके दो नंबर होंगे लगातार होंगे वो ऑड नंबर होंगे, उनका सम कितना हो जाएगा, फोर। थ्री स्क्वायर में देखेंगे वन प्लस थ्री प्लस फाइव, ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, इनको टोटल करेंगे नाइन हो जाएगा। फाइव स्क्वायर को क्या है, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, देखिए ये लगातार लगे हुए हैं, ये ऑड नंबर हैं, इनको ऐड करेंगे ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। और फोर स्क्वायर है इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, ये भी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, जिनको टोटल कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, जो कि फोर का क्या है, स्क्वायर। यही इस प्रॉपर्टी में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल फाइव स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ट्वेंटी फाइव। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्वेंटी फाइव को टू से डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू से डिवाइड किया तो लगभग लगभग ये कितना आया, ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व पॉइंट फाइव आया, तो ट्वेल्व नहीं ट्वेल्व पॉइंट फाइव ही लेंगे, ट्वेल्व लेंगे, इसमें इसके आगे का इंटीजर ऑड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव। इलेवन स्क्वायर को देखेंगे, इसका इलेवन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वन ट्वेंटी वन अपॉन टू, ठीक है, इससे ये कम से कम लगभग लगभग 60.5 टाइम्स गया, लेकिन हम 0.5 ही लेंगे, एक 60 ले लेंगे और एक इधर प्लस वाला ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121। तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर। इसको देखेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है, टू से डिवाइड कर देंगे तो 400 और एट हो जाएगा आपका, ये एट टाइम जाएगा, सॉरी एट फोर 0.5 टाइम जाएगा, तो 0.5 ही लेंगे, एक आगे का ले लेंगे, एक पीछे का ले लेंगे और इसको प्लस करेंगे, तो ये आपकी ये प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन वन, एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर इजिली। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर सेवन इंटू नाइन है, ठीक है, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, सेवन फर्स्ट ऑड नंबर है, इसके बाद कौन सा आएगा, ऑड नंबर नाइन आएगा ना, सेवन के बाद, तो कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर हो तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, एट में से माइनस वन गया तो कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, एट प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, एट है, इसमें से वन माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, सेवन, इसमें से प्लस वन कर दिया कितना हो जाएगा, नाइन, तो इसका एट का स्क्वायर कितना होता है, एट स्क्वायर कितना होगा, सिक्सटी फोर, तो इसमें से वन माइनस कर दीजिए, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, सिक्सटी थ्री, जो कि क्या हो जाएगा, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री। देखिए सेवन को वी कैन राइट एट माइनस वन इंटू एट प्लस
स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमें कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए क्या 15 × 17, तो 15 × 17 के बीच में कौन सा नंबर होता है 16 होगा। 16 में से माइनस